रिजन ने जब अपना गेमिंग स्मार्टफोन का ट्रेंड चालू किया तो जायमी कैसे पीछे रह सकता था। तो जायमी ने भी अपना गेमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च करा जो कि था ब्लैक शार्क नाम का। एंड ये जो डिवाइस था बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइस था एंड गेमिंग के मामले में डिवाइस था नंबर वन। एंड ये डिवाइस किसी भी गेम को स्मूथली रन करा सकता था एंड बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज डिवाइस था। तो फाइनली जो है जायमी ने अपना नेक्स्ट गेमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है जो कि है ब्लैक शार्क वन का सक्सेसर ब्लैक शार्क टू। एंड ये डिवाइस होने वाला है बहुत ही पावरफुल डिवाइस। एंड इस डिवाइस का कुछ लीक्स वीडियो एंड लीक्स स्पेसिफिकेशन जो है निकल के सामने आ गया है। एंड इस डिवाइस को मेंशन किया गया है टीना लिस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ब्लैक शार्क 2 के बारे में। एंड इस डिवाइस में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा एंड ये डिवाइस कैसा होने वाला है। तो हेलो गाइस, आई एम चौन, आई एम फ्रॉम अनबॉक्स चौन। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अगर डिजाइन की बात करूँ तो इस फोन के पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप एंड मिडिल पॉइंट पे जो है मिलेगा आपको ब्लैक शार्क का लोगो जिसके अंदर कूल लाइटिंग इफेक्ट है। एंड साइड बार में भी आपको लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड साइड में भी आपको पावर बटन वॉल्यूम लॉकर देखने को मिलेगा। एंड नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा टाइप सी पोर्ट। एंड इस फोन में आपको 3.5 mm ऑडियो हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो फ्रंट में आपको कोई भी नॉच सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो डिस्प्ले होगा 5.99 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होने वाला है। एंड जो डिस्प्ले पैनल होगा ओएलईडी होगा या एलसीडी होगा कुछ भी अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का पावरफुल प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट। तो गेमिंग के मामले में एंड परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन होने वाला है बहुत ही स्मूथ। अगर जीपीयू की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलते हैं एडिनो 630 का जीपीयू जिसके चलते इस फोन में किसी भी गेम को आप स्मूथली रन करा पाओगे, चाहे वो पबजी हो, एस्पन लाइन हो, किसी भी हाई ग्राफिक्स गेम को आप आराम से रन करा पाओगे। एंड इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 8GB रैम एंड 128GB इनबिल्ट स्टोरेज। इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि इस फोन में आप कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। एंड जो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट होगा उसका प्राइस होने वाला है 37,000 के अंदर। एंड ब्लैक शार्क 2 का एक और वेरिएंट लॉन्च होगा जो कि 6GB रैम एंड 64GB इनबिल्ट स्टोरेज जिसका प्राइस होने वाला है 32,000 के अंदर। अगर कैमरा सेटअप की बात करो तो पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि है 20 MP का प्राइमरी कैमरा एंड 12 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। कैमरा में आपको AI फीचर मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड मिलेगा एंड बहुत सारे फीचर जो है देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको मिलेगा 20 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। फ्रंट में आपको कोई भी LED फ्लैश देखने को नहीं मिलता। और कूलिंग की बात करो तो इस फोन में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा एंड 4000 mAh का बैटरी इस फोन के अंदर है। तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है फोन। फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो ये होने वाला एक कॉम्पैक्ट फोन गेमिंग के मामले में। तो यही कुछ लीक स्पेसिफिकेशन जो है निकल के सामने आ गए। एंड आपके हिसाब से फोन कैसा होना चाहिए था एंड फोन कैसा है आप नीचे कमेंट करके बताओ। एंड आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे जाकर लाइक मारो। एंड इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।